हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, जब से इसराइल और हमास की कहानी शुरू हुई है, स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आ चुका है। यहाँ पर हम इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो बातें समझने की है। इंटरनेशनली मार्केट गिरता है जो कि कंप्लीट प्रेशर में चल रहा है, नो डाउट। इंडियन मार्केट में क्या हो चुका है, अब इंटरनेशनली मार्केट गिरता है जिसके कारण वो गैप डाउन खुलता है, फिर नीचे से कवर करता है। तो ओवरऑल इन सारे कंफ्यूजन के बीच ट्रेडर ना तो पोजीशन बना पा रहा है, न सही से ट्रेड कर पा रहा है। और वहां पर जो लोग इन चीजों को डिटेल में नहीं समझ रहे, उनको लॉस अलग हो रहा है, क्योंकि फिर इंडियन मार्केट नीचे से गिरकर रिकवर भी कर लेता है। तो कई सारे पजल मार्केट में चल रहे हैं जो ट्रेडर समझ नहीं पा रहे कि आखिर हुआ क्या है या क्या हो रहा है। तो यहां पर दो कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे सिंपल, जो वॉर आपके सामने है चल रहा है। अब इस वॉर की कहानी में एंट्री हो रही है बॉन्ड यील्ड की। तो अब बॉन्ड यील्ड की खबर क्या है और बॉन्ड यील्ड कैसे स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट करता है, प्लस हमें पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, इन सब पॉइंट को हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे जब भी बॉन्ड यील्ड की कहानी आती है तो आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बार आप लोगों ने सुना होगा मुझे जब मैं बोलता हूं कि अमेरिकी मार्केट सबसे सिंपल अभी बॉन्ड यील्ड पे ड्रामा कर रहे हैं, उनको टेक्निकल से भी कोई लेना देना नहीं रह गया। बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, यूएस मार्केट गिर गया, बॉन्ड यील्ड गिर गया, यूएस मार्केट बढ़ गया। अभी मोटा मोटा इसी सारी कहानियों पर मार्केट चल रहा है। तो इसी में हम शुरू करते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर दें। साथ में दुर्गा पूजा का महाधमाका ऑफर, 25 अक्टूबर से जो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, जहां इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब सीखेंगे, कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड करेंगे, वहां पर बहुत सारी नई फैसिलिटी तो हम ला ही रहे हैं इस बैच से जो पहले कभी नहीं थी। बट उससे भी ज़्यादा कि पहली बार हम फी में डिस्काउंट दे रहे हैं आप लोगों के कहने पर। तो मौका ना जाए, कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। और YouTube कम्युनिटी को बहुत प्यार देने के लिए, जहां पर लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक परिवार बनता जा रहा है लर्निंग और अर्निंग का, जहां पर हमने अशोक बिल्डकॉन के बारे में लर्निंग दी कि कैसे इनका ऑर्डर बुक है, कैसे इनका चार्ट है, और उसके बाद अशोक बिल्डकॉन में बाकी रेस्ट हिस्ट्री आप लोगों के सामने है। तो बस ऐसी लर्निंग अर्निंग आपको मिलती रहेगी, ज्वाइन कीजिए ज्वाइन बटन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड की क्या कहानी है। तो जो अमेरिकी सरकार का बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड है, 2007 के बाद पहली बार 5% पे पहुंच गया है। अब आप 2000 जैसे सात समझ रहे हैं, वैसे 2008 को याद कर लीजिए, जहां पर क्रैश बिग वाला आया था, ध्यान से। और ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिसके कारण आप अमेरिकी मार्केट में भी गिरावट देख रहे हो। अब यहां पर इसके अलावा क्या है, तो सिंपल सी बात ये होती है कि जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट से लोग पैसे निकालते हैं। क्यों निकालते हैं उस पर हम आएंगे, बट कहानी यही है कि पैसे निकाल रहे हैं लोग मार्केट से। जो आपके पास भी डेटा है कि इंडियन मार्केट से FII लगातार पैसे निकाल रहे हैं। उसके अलावा जो इसराइल और हमास की कहानी चल रही है, तो आपको भी पता है कि जब पहले वॉर आती है तो लगता है दो दिन है चार दिन है, चलो ठीक है सब कुछ सही है, लेकिन जैसे जैसे मामला पेचीदा होता चला जाता है तो कुछ आउटपुट क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो इन्वेस्टर होते हैं, ऐसी कंडीशन में सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, और वो सेफ इन्वेस्टमेंट में एक सबसे बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, या तो इस कंडीशन में जब बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है वहां, या दूसरा होता है गोल्ड। और गोल्ड में आप देख रहे हो लगातार आग लग रही है। तीसरा, आप देखो क्रूड के जो प्राइस है $93 पर बैरल के पास पहुंच चुके हैं, और इसराइल की ओर से गाजा पर जिस बड़े पैमाने पर अटैक हो रहा है और साथ में जिस तरीके से आगे की भी फर्दर प्लानिंग है, इससे माहौल बिगड़ने की संभावना हो रही है। अगर हम बात करें यूरोप के मार्केट, फ्राइडे को 1% गिरे। एशिया के स्टॉक रातों रात महीने के निचले स्तर पे आ गए, वो निचला स्तर 11 महीना का निचला स्तर था। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो दो दिन में 2% की गिरावट हुई है। जापान सरकार की बात करें तो 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड भी एक दशक के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है, जिसके बाद वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट ने भैया इसको नीचे लाने के लिए हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। और इन सब से क्या हुआ है, गोल्ड की मांग जो मैंने पहले ही बताई वो बढ़ चुकी है और 3 मंथ के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। बैंक ऑफ जापान ने भी अपने बॉन्ड मार्केट में हस्तक्षेप किया, क्योंकि 10 साल का जैपनीज जो सरकारी बॉन्ड यील्ड है एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, हाईएस्ट लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या हो रही है, पैनिक क्रिएट कर रही हैं कि भैया होने वाला क्या है, किस तरीके से होने वाला है, क्या निकल के आएगा क्या निकल के नहीं आएगा। वहां पर
फेड की जो स्टेटमेंट आया था वो भी क्लियर कट था। जो जेरोम पावेल ने क्या कहा कि भैया महंगाई कम नहीं हुई है और इंटरेस्ट रेट आगे भी आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं। अब यहां पर हम समझते हैं बॉन्ड यील्ड बढ़ने की कहानी की क्या कहानी है, और तब लास्ट में आएंगे हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है स्टॉक मार्केट पे प्रेशर आता है, जब जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है स्टॉक मार्केट पे प्रेशर आता है, जो अभी आप लाइव प्रूफ देख रहे हो। ठीक है, तो अब कनेक्शन क्या है? तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने से लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं और बॉन्ड में पैसा डालते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की हो जाता है। ऐसे में इन्वेस्टर हमेशा बॉन्ड जैसे कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में, जहां अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वहां इन्वेस्ट करता है कि भैया रिस्क क्यों लें जब चीजें ही क्लियर नहीं है कि भैया ये माहौल किस तरीके से बढ़ेगा। तो बेहतर है कि हम पैसे को यहां डाल देते हैं, हम रिस्क फ्री हो जाएंगे और हमारा टेंशन घट जाएगा और पैसा भी सेफ सिक्योर रिटर्न देगा। और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से दुनिया भर के मार्केट से FII के पैसा निकालने का डर रहता है, जो आपके सामने अगेन लाइव प्रूफ के तौर पे है कि इंडियन मार्केट से लगातार निकाला जा रहा है। अब ऐसा होने पे क्या होता है? एक चीज और है, जो कर्ज लेकर, ध्यान से समझिएगा, जो लोन लेकर FII, ऐसा नहीं कि सारे पैसा लगाते हैं, वो कर्ज लेकर भी पैसा लगाते हैं। तो जब मार्केट अनसर्टेन रहता है तो वो कर्ज लेकर भी पैसा नहीं लगाना चाहते, तो उनको क्या होता है, पोजीशन काटनी पड़ती है, जिससे अगेन रिस्क बढ़ जाता है। अब कहानी क्या है? तो देखिए, बॉन्ड यील्ड में जो बढ़त है इकोनॉमी की हाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है कि भैया इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है। अब हाई इंटरेस्ट रहेगा तो कंपनी द्वारा कर्ज की लागत बढ़ जाएगी, जो कर्ज ले रहा है उनके लिए और कर्ज लेना मुश्किल हो जाएगा, भैया इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा पे कैसे करेंगे, अर्निंग कम इंटरेस्ट ज्यादा, कंपनी की हालत खराब हो जाएगी। उस कंडीशन में कंपनी के मुनाफे और स्टॉक के रिटर्न दोनों पर असर पड़ता है। और यहां पर एक चीज और बता दूं, जो कर्ज ली हुई कंपनियां होती है ना, जो कर्ज पे काम करती हैं, उनके लिए तो हालत सबसे ज्यादा खराब होती है, उनके लिए सर्वाइवल ऐसे हालात में मुश्किल हो जाता है। साथ में अब इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ जाते हैं, होम लोन की EMI या कंज्यूमर जो EMI पे जाता है वो भी इंपैक्ट पड़ता है, तो इकोनॉमी में क्या होती है, डिमांड घट जाती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मिलकर क्या कर रही हैं, पैनिक क्रिएट कर रही हैं, और वो पैनिक क्रिएट होने के कारण आप मार्केट में दिशा नहीं देख पा रहे हो। दैट्स द बिग रीजन। अब कहोगे, जो मैंने आपको कहा था ना कि समरी अब निकालते हैं, आपने ये तो सीख लिया कि बॉन्ड यील्ड से मार्केट कैसे इंपैक्ट होता है, क्यों मार्केट नहीं चल पा रहा है, अमेरिकी मार्केट तो बिल्कुल क्यों नहीं चल पा रहा है, और इन सब के कारण आपका इंडियन मार्केट पे क्या असर है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले वीडियो को लाइक करके मोटिवेट तो कीजिए, आपका एक एक लाइक बहुत मोटिवेट हमें करता है। अब अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, तो वीडियो के शुरू में हमने क्या बताया कि यहाँ पर इंडियन मार्केट, हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही कारण है कि मस्तरा मस्ती में, आग लगे बस्ती में इंडियन मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। बस वो क्या होता है, US मार्केट गिरा रहता है, ये गैप डाउन खुलता है, फिर नीचे से ऊपर रिकवर कर जाता है। बट इन सब के कारण एक ट्रेंड तो नहीं क्रिएट कर पा रहा है ना, जो ट्रेंड में एक्चुअली पैसा बनता है, तो वहां पर रिटेल वालों को नुकसान हो जाता है। और अगर ये पैनिक बढ़ा तो फिर कहीं ना कहीं उसका एक छोटा इंपैक्ट, जैसे मान लो एक जगह मूवी चल रही है तो उसका ट्रेलर तो इंडियन मार्केट पे दिखेगा। तो इन सब के मद्देनजर अभी फिलहाल अगर गौर करें तो हम अपने नजर में मार्केट को अनसर्टेन मानते हैं, अनक्लियर मानते हैं। जहां पे अगर आप लोगों को याद हो, आप हमसे जुड़े हो, तो 19,200 का बहुत मेजर मेगा लेवल है, जब मार्केट उसके नीचे बंद होगा तभी आप नेक्स्ट लेवल का कोई पैनिक देख सकते हो। अदरवाइज ऐसे हम जरूर कह सकते हैं कि 19,850 का रेसिस्टेंस लेवल और 19,200 का सपोर्ट लेवल, ये एक कंप्लीट रेंज बना हुआ है। मार्केट जब इस रेंज के बाहर आएगा तब हम कुछ प्लान करेंगे, तब कुछ हम नया सोचेंगे। उससे पहले कुछ नया प्लान करने की, कुछ नया सोचने की दूर दूर तक जरूरत नहीं है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी में बात करते हैं, तो 43,300 के नीचे जब बंद होगा तो अगेन वहां पर हम कुछ पैनिक क्रिएट के बारे में सोच सकते हैं, वो लेवल टूटेगा तो और गिरावट के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी का जो ऊपर का रेसिस्टेंस है 44,700 का है, वो ऊपर का रेसिस्टेंस हो गया, जो वो टूटता है तब ऊपर निकलेगा या
उसके रेंज में। तो अभी इसके कारण निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एक कंप्लीट रेंज सेटल में चल रही है, जहां पर हमें बहुत ध्यान से ध्यान देने की जरूरत है, और वो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को एजुकेट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अब हर एक IPO चाहे SME का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक IPO की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं, और बहुत कुछ मिलने वाला है।